नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनके हाथों में। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये एक विशेष तरह से है इनके हाथों में उंगलियां। ये जो उंगली है और ये मध्यमा उंगली और ये अनामिका उंगली, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, देखिए एक दूसरे के बिल्कुल उनके बीच में गैप बन रहा है, नेचुरल गैप बन रहा है। और इस वजह से क्या होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिंदास नेचर के होते हैं, ज़्यादा टेंशन वगैरह लेना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं आता, बिंदास जीते हैं और बिंदास तरीके से पैसे खर्च करना, इस तरह से मौज मस्ती करते हुए ज़िंदगी जीना ऐसे व्यक्ति की पसंद ऐसे व्यक्ति को होता है, ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। और ज़्यादा सीक्रेट ये चीज़ें रखते नहीं है, सब चीज़ें हर किसी को बताना ये कभी कभी बुरी बात होती है, अपने प्लान्स वगैरह सब चीज़ें हर किसी को बताने की वजह से। लेकिन इनका नेचर उस तरह से है, ये इनके हाथों से हमें पता चल रहा है। उसके बाद में कलर ऑफ द हैंड, पिंकिश और येलोइश का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। पिंकिश कलर का हाथ मतलब है इस व्यक्ति धन के मामले में लकी होते हैं, येलो मतलब टेंशन ले रहे हैं और इस वजह से हेल्थ के ऊपर उसका अफेक्ट हो रहा है, हेल्थ खराब होती है। अगर आपका ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो और येलो कलर का हाथ बन रहा हो। शेप ऑफ द हैंड देखिए, स्क्वेरिश किस्म का हाथ दिखाई दे रहा है। स्क्वेरिश किस्म का हाथ मतलब ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं जीवन में, मेहनत के दम पर सारी उपलब्धियाँ ये जीवन में पाते हैं, महत्वाकांक्षा जो भी होती है वो पा लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इनके हाथों में ये जो अंगूठा है, अंगूठा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है। ऐसे व्यक्ति में देखा गया है कि इनकी एडजस्टिव नेचर थोड़ी कम होती है, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की ही, थोड़े एडमंड इंसान ऐसे व्यक्ति कभी कभी हो जाते हैं कि बस उनको ही, उनको अपना नज़रिया ही हमेशा सही लगता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में ये जो ऊपर का फैलेंज है और नीचे का फैलेंज, ये सेकंड फैलेंज बड़ा है, थिक है, तो महत्वाकांक्षी हो गए, निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है, होशियार रहते, बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद ये देखिए शुक्र पर्वत, ये जो शुक्र पर्वत का स्थान है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर फोटो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन शुक्र पर्वत का स्थान है, मीडियम थिकनेस वाला है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने आप को बैड हैबिट्स जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बेटिंग ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा पाए तो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, और लग्जरियस लाइफ ऐसे व्यक्ति को पसंद भी होती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ऐसे व्यक्ति को चाह ज़्यादा रहती है। लॉन्ग टर्म में ऐसे व्यक्ति ज़्यादा धन कमा पाएंगे ऐसे इनके हाथों में पता चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी यही दिखा रहा है, राहु पर्वत पर खड़ी रेखाएं मौजूद नज़र आ रही है, जो दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में धन लाभ के मामले में अचानक से ऐसे व्यक्ति को प्रोग्रेस मिल सकती है, शेयर मार्केट से भी वो हो सकती है, शेयर मार्केट में वो शुक्र पर्वत से हमें पता चल रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल भी ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा दिखाई दे रही है। अंदरूनी मंगल का स्थान देखिए, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल, दोनों मंगल अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि थोड़े गुस्से वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, जल्दी ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आता है। लैंड के मामले में ऐसे व्यक्ति थोड़े लकी होते हैं, लेजी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, गुस्सेल होते हैं लेकिन लेजी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। उसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले व्यक्ति होते हैं, दोस्त बन गए तो बहुत दिलदार बनेंगे, दुश्मन बनेंगे तो उतना ही ऐसे व्यक्ति दुश्मनी निभाते हैं, ऐसे इस तरह से ऐसे व्यक्ति का नेचर इनके हाथों से पता चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी जीवन रेखा, इस रेखा को हम जीवन रेखा कहते हैं और ये अंगूठे के नीचे तक जा रही है, अच्छी लाइफ इनके हाथों में दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए यहाँ पे जीवन रेखा में गैप बनता नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी ये देखिए जीवन रेखा इस तरह से ऊपर जा देगी, मतलब आफ्टर द एज ऑफ 50 ऐसे व्यक्ति का जीवन का पीक आएगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, धन के मामले में बहुत बड़ा पीक ऐसे व्यक्ति जीवन के उस समय में बिताएंगे। लगभग 50 से 60 साल की उम्र में ऐसे व्यक्ति के जीवन का
पिक आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति की लेट होगी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में उस समय में सबसे ज़्यादा सफलता पाते हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे व्यक्ति का नाम होता है और सबसे ज़्यादा ऐसे व्यक्ति जीवन में उस समय में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये इनके हाथों से हमें पता चल रहा है जीवन रेखा के बारे में। उसके बाद में हम देखते हैं इनके हाथों में धन रेखा और शनि माउंट। ये जो माउंट है इसे हम शनि माउंट कहते हैं। शनि माउंट देखिए, दबा हुआ शनि माउंट दिखाई दे रहा है और रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है इनके हाथों में। और ये जो यहाँ पे जो रेखाएं, दो रेखाएं मौजूद होना, एक सूर्य पर्वत पर और एक सीधी जाना। सूर्य पर्वत पर जाने मतलब इस साइड में जाने वाली रेखा ये दर्शाती है कि व्यक्ति को जीवन में फेम मिलेगा, नाम होगा, इनको रिकग्निशन मिलेगी। और सीधी शनि पर्वत की तरफ जाने वाली भाग्य रेखा ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी रहेंगे, धन ज़्यादा कमाएंगे। देखिए इनकी भाग्य रेखा कट कट के बन रही है। देखिए इस तरह से केतु पर्वत से निकल रही है और यहाँ पे कट कट के बन रही है। ये थोड़ा आर्थिक इंस्टेबिलिटी, करियर में इंस्टेबिलिटी शुरुआती के दिनों में दर्शाती है। दूसरी बात ये होती है कि इनकी एक भाग्य रेखा इनके चंद्र पर्वत से निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा व्यक्ति को वाइफ से थोड़ा लक मिलने के चांसेस होते हैं। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है, वाइफ भी ऐसे व्यक्ति के हाथ बटाती है, इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी में खुद वो कमाने वाली भी हो सकती है उनसे, लेकिन लेडी लक इनके हाथों में रहेगा। ये एक चंद्र पर्वत से निकलने वाली इनकी भाग्य रेखा दर्शाती है। उसके साथ कला गुणों का भी ऐसे व्यक्ति में संचार हो सकता है, कला गुण ऐसे व्यक्ति के अच्छे हो सकते हैं। और उसके साथ विदेश से भी ऐसे व्यक्ति को धन आने का संभावना इनके हाथों में देखी जा सकती है। तो ये इनकी भाग्य रेखा के बारे में दर्शाता है। ये कट कट के बनने वाली भाग्य रेखा व्यक्ति को आर्थिक इनस्टेबिलिटी का संकेत देती है। आगे चल के ये व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा, ये इनके हाथों से दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल इनकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन आफ्टर सर्टन एज और इनकी जो शनि पर्वत है ये बीच में बहुत ज़्यादा दब रहा है, जो लक और धन के मामले में काम के प्रति थोड़ा निगेटिविटी इनके अंदर फैलाता है। डिजायर्ड गोल हासिल करने में इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। बाकी इसके इनके हाथों में इस तरह से ऊपर की तरफ रेखा जाना ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को परिवार से मतलब करीबी रिश्तेदार, परिवार के लोग इनसे धन के मामले में धोखा मिलने के चांसेस बहुत अधिक इनके हाथों में देखे गए हैं। उसके बाद में सीधी जाने वाली मध्यमा उंगली दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन में ये उनके काम के प्रति समर्पण अच्छा रहेगा, उनकी प्लानिंग अच्छी रहेगी। गुरु पर्वत देखिए, ये गुरु पर्वत थोड़ा स्लाइटली इधर की तरफ झुक रहा है, थोड़ा लेजीनेस ऐसे व्यक्ति को दिलाता है, लेकिन नॉलेज के मामले में, पर्सनल एक्सपीरियंस के मामले में, धार्मिकता के मामले में ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, रिचुअलिस्टिक होने मतलब कम हो सकते हैं, लेकिन दिल से तो भगवान को मानेंगे इस तरह से है। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में अच्छी रहेगी। जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसे फॉलो करेंगे और सीधे मार्ग से धन कमाना ऐसे व्यक्ति को पसंद आ सकता है। उसके बाद में देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए सूर्य रेखा, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें सूर्य रेखा से दिख रही है, स्पष्ट सूर्य रेखा है। एजुकेशन की लाइन भी देखिए यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो भी डिज़ायर्ड एजुकेशन है वो हो जाएगा ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। देखिए उनके उसके बाद देखिए सूर्य रेखा, ये जो सूर्य रेखा है हृदय रेखा के ऊपर से निकल रही है और लेकिन ये उंगली तक चली जा रही है। उंगली तक चली जाना जो सूर्य रेखा होती है वो अक्सर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन ये जो सिर्फ हृदय रेखा से ऊपर जाने वाली सूर्य रेखा ये दर्शाती है कि भले ही ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत जल्दी चल जाए, बहुत जल्दी धन कमाने लगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति इनका भाग्योदय लेट होता है। ये मिड थर्टीज़ में हो सकता है, मिड फोर्टीज़ में हो सकता है। उसके बाद में ये देखते हैं इनके हाथों में
ये रहा बुध पर्वत, ये होगी रिलेशनशिप के लाइन मीडियम, मतलब ठीक ठाक एज में ऐसे व्यक्ति की शादी होने के चांसेस हाथ में दिखते हैं। बुध पर्वत देखिए यहाँ पे दबा हुआ है, यहाँ पे थोड़े क्रॉस के निशान बन रहे हैं, ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम होने के चांसेस, या फिर ये दूसरों को धोखा देने के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वक्तृत्व शैली में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कभी मुफ्त ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये बिजनेस और वक्तृत्व शैली, कभी कभी एजुकेशन में भी ऐसे व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये थोड़े क्लियर साइन नहीं है इस वजह से देखा जा रहा है। उसके बाद में देखिए बुध पर्वत बाकी यहाँ पे तो अच्छा दिखाई दे रहा है, तो देखिए इनिशियल स्ट्रगल के बाद बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये बस इनके देखिए उनकी छोटी उंगली अनामिका के फर्स्ट फ्लोर तक नहीं जाने की वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। इनकी चतुर और चालाकी जो भी इनकी लाइफ में चल रही है, इनके एजुकेशन के मामले में, वक्तृत्व शैली, बिजनेस के मामले में। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके हाथों में चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत देखिए ये जो पर्वत है इसे हम चंद्र पर्वत का स्थान कहते हैं। चंद्र पर्वत मीडियम थिकनेस का है, तो व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति, व्यक्ति के ट्रैवल, नेचर के लव के प्रति हमें दर्शन दिला, उसके बारे में ज्ञान दिलाता है। तो इनका चंद्र पर्वत अच्छा है, मीडियम थिकनेस का है, व्यक्ति को नेचर से प्रेम रहेगा, मीडियम लेवल की ऐसे व्यक्ति को डिपेंड है उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से ऐसे व्यक्ति ट्रैवल भी पसंद करते हैं। विचार शुद्ध होते हैं, कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है, लेकिन देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे सीधी जा रही है और एक इसकी ब्रांच इस तरह से मंगल पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, निर्णय लेने में अच्छा सोच विचार करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग है जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे व्यक्ति मैक्सिमम देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बिजनेस करने में अच्छे रहते हैं, इमोशनल बिल्कुल इमोशनैलिटी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। हृदय रेखा भी देखिए शनि पर्वत के नीचे आकर ख़त्म हो रही है, मनी माइंडेड होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को पार्टनर धोखा दे सकते हैं, करीबी लोग पैसे लेके वापस नहीं देना, इनके कभी कभी जब भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर निर्णय लेते हैं तो गलत निर्णय ले लेते हैं। हालांकि लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, लेकिन कभी कभी इनके हाथों में इमोशनल निर्णय हो जाते हैं, जहाँ पे ऐसे व्यक्ति धन के मामले में अटक जाते हैं, वरना मनी माइंडेड ऐसे व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति जो भी रिलेशन या फिर अपने फ्रेंड सर्कल बनाएगी जिसमें से इनको एडवांटेज होने के चांसेस देख के ऐसे व्यक्ति इनको फ्रेंड सर्कल अपना बनाते हैं, उस तरह से मनी माइंडेड ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे इनके हाथों से पता चल रहा है। यहाँ पे एक त्रिकोण का निशान केतु पर्वत पर बनना, ये सब दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति सिल्वर स्पून मुंह में लेके पैदा होते, मतलब ऐसे व्यक्ति जन्म से ही पैदा होते ही थोड़े अच्छे घर से आते हैं, घर परिवार अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं शुरुआती के समय में। देखिए हाथ में ये देखिए एक मणिबद्ध रेखा, द्वितीय मणिबद्ध रेखा, तीन मणिबद्ध रेखा बनती नजर आ रही है, प्रथम हेल्थ के मामले, द्वितीय वेल्थ और तीसरी आध्यात्मिक और मानसिक रूप की बारे में हमें ज्ञान दिलाती है। तो ओवरऑल हाथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इनका। थोड़ा हेल्थ अगर देखें तो बुध रेखा कट के बन रही है, उसके साथ आंखों संबंधी प्रॉब्लम, हेल्थ में इश्यूज, हाइपरटेंशन और शुगर का प्रॉब्लम इनको जीवन में 40s के बाद ही हो जाएगा, ऐसे इनको इनके हाथों से पता चल रहा है। थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत ऐसे व्यक्ति को है। धन्यवाद दोस्तों।